अब तक जो प्रगति रही है इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे बैठकें हुई हैं। इसके अलावा मंडलायुक्त को इसका चार्ज दिया गया है जो कि हर स्तर पे किया जाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत लंबी इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की थी जिसमें कि जो शेरपा है उनके द्वारा भी किया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बहुत विस्तृत रूपरेखा कि किस प्रकार से हम देश के इकोनॉमी को, उसके कल्चर को, उसके सोशल सिंबल्स को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, और क्या हमारा इंटरेक्शन का दायरा रहेगा, और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन चीजों पे बहुत व्याख्यान किया गया, जिसके के अंतर्गत पूरे देश भर में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ लगभग 255 कार्यक्रम कुल होने हैं और 55 स्थानों पे ये किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न नगरों में हर स्टेट्स में कार्यक्रम प्रारंभ हो भी गया है, कई राज्यों में हो चुका है। यहाँ से भी टीम्स उनसे भी जाके क्रॉस लर्निंग करेगी। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहा है, इनके जो चार मुख्य शहर हैं वो लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा एवं बनारस है। ग्रेटर नोएडा और बनारस में अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी जो इमीडिएट कार्यक्रम होने हैं वो लखनऊ और आगरा की इवेंट्स होंगे। इसमें जो आपके सामने जो स्क्रीन स्पेस है, ये हम लोग आपको प्रेजेंटेशन शेयर भी कर लेंगे। इसमें जो मेन है वो एम्पावर्ड ग्रुप की मीटिंग है 11 से 12 फरवरी, जिसके अंतर्गत में G20 का भी GIS समिट भी चल रहा होगा, और लखनऊ में 13 से 15 फरवरी जो है वो लखनऊ में इवेंट होगा। ये दो मेन इवेंट है हमारे, आगरा का 11 12 और लखनऊ के 13 और 15 में, जिसमें ये प्रोजेक्शन होगा। आगरा में जो थीम है उसमें महिलाओं पे भी एक बहुत बड़ा कवरेज रहेगा, और वहाँ पे जो सेमिनार्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो आयोजन हो रहा है उसमें जो शक्ति मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा गया है, और जो महिलाओं के उत्थान में जो उत्तर प्रदेश ने आगामी जो है कदम उठाए हैं, और जो पहले से चले आ रहे हैं मिशन शक्ति के माध्यम से, उसको भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा उन थीमेटिक एरियाज पे मंत्रालयों के द्वारा तो डिस्कशन भारत सरकार करा ही रही है। यहाँ पे जैसे हमने बताया डिजिटल इकोनॉमी है, तो IT डिपार्टमेंट उसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रोजेक्ट कर रही है, खास तौर से जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम लोग को अवार्ड मिला है या नवाचार की दृष्टि से। इसे माइंड मित्र में रोशन हमारे पास बैठी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को अभी रिकॉग्नाइज करते हुए इनके एफर्ट को भारत सरकार के स्तर पे अवार्ड भी किया गया। उसके अलावा जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है, इन इश्यूज पे टच किया जाएगा डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, और उनसे हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं, क्या हमारे कंपनीज को वहां पे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इस तरह की विचार किए जाएंगे। इसके बाद डिटेलिंग और है, बनारस में मीटिंग्स की संख्या ज्यादा है और वहां पे तैयारी और भी बहुत ही विशिष्ट रूप से होगी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मेक है और इसमें अभी हम लोग को थोड़ा वक्त है, परंतु वहां पे भी बहुत व्यापक स्तर पे तैयारियां शुरू हो गई। नेक्स्ट, तीन लेवल की जो ये मीटिंग होती है, इसमें क्या साइट्स है, प्रेफरेंसेस है, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है कि स्टेट का ड्रिवन रहेगा, इम्पैक्टफुल होना है, होलिस्टिक और कलरफुल प्रोजेक्शन होना है। नेक्स्ट, लखनऊ में जो इवेंट हो रहा है इसमें टूरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, टूरिज्म इन कल्चर का, और यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है इस दौरान 13 तारीख को सेंट्रम होटल, जहाँ पे की स्थल वहाँ पे उनका मीटिंग है, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा जिसमें कि प्रदेश की जो मुख्य विशेषताएं हैं कल्चरल फील्ड पे, चाहे वो कथक हो, चाहे वो होली का दर्शाया जाए, चाहे वो आनंद किशोर जी का प्रयागराज से उनका फंक्शन है, मालिनी अवस्थी जी का कार्यक्रम है, कथक केंद्र के द्वारा ये किया जा रहा है, इस तरह प्रोजेक्शन किया जाएगा। उसके अलावा एक विशिष्ट रात्रि भोज का भी आयोजन जो है प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भी ये इवेंट्स किए जाएंगे, क्योंकि जो अभी एक्सपीरियंस देखने में आया है उदयपुर, पुणे वगैरह में जहाँ फंक्शन हुआ है, वहाँ पे उनको इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि उनको हमारी संस्कृति समझ में भी बहुत आए, तो उनको आमंत्रित करके स्टेज पे इस प्रकार का बहुत अच्छा एक एंगेजमेंट की कोशिश की गई है। और वही हमारे में प्रयास रहेगा कि जो यूपी की जो वाइब्रेंट कल्चर है, जो गंगा जमुना